रांची बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, एक साथ 25 छतराए हुई संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं दिव्या वर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। झारखंड में कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले रहा है। यदि पिछले साल से कोरोना संक्रमण की तुलना की जाए तो पिछले साल झारखंड में कोरोना संयमित था। यहां तक कि जब पूरा देश कोरोना से परेशान था तभी झारखंड में एक भी कोरोना के केस नहीं थे। वहीं इस साल अप्रैल के शुरुआती महीने में पटना से शुरू ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस रांची में हैं। हाल ही में रांची में कोरोना बम फटा है, जहां एक साथ 25 छात्राओं के कोविड पॉजिटिव मिलने के प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। रांची के बुंडू में स्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में 96 छात्राओं की कोरोना जांच की गई थी। इनमें से 25 छात्राएं कोरोना संक्रमित निकली। एक साथ बड़े संक्रमण को देख विद्यालय प्रशासन और जांचकर्ताओं में हड़कंप मच गया। आनन फानन में छात्राओं को आइसोलेट किया गया और सभी के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। इसके साथ अन्य छात्राओं की भी जाँच की गई। इसे संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने की भी उम्मीद है। मामले की पुष्टि करते हुए रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर बीबी प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। बुंडू के लिए विशेष टीम बन गई है। सभी छात्राओं को आइसोलेट कर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और पर्याप्त मात्रा में दवा की किट भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सभी के कंटेनमेंट ट्रेनिंग की जा रही है ताकि यह पता चले कि संक्रमण की चैन कहां से शुरू हुई है। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव के सोन ने सभी जिलों में उपायुक्तों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने, बचाव व रोकथाम हेतु होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। विभागीय सचिव ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए जरूरत के अनुसार अधिसूचित अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जुलाई 2020 में जारी गाइडलाइंस फॉर्म होम आइसोलेशन का पालन किया जाए और मरीज के लिए पर्याप्त चिकित्सक परामर्श और दवा किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।